एक भिखारी था, वो रोज भीख मांगता और जो भी भीख में पैसे या खाना मिलता तो अपनी झोपड़ी पर ले जाता और अपनी पत्नी के साथ खाता था। भिखारी की पत्नी बीमार होने की वजह से झोपड़ी में ही रहती थी। एक दिन की बात है, वो भिखारी एक दिन एक अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है। तब वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी को गंदी गंदी गालियां देता और बोलता, क्यों भीख मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो, क्या तुम जीवन भर के लिए भीख ही मांगते रहोगे। और कभी कभी वो अमीर व्यक्ति उस गरीब को धक्का भी दे देता, मगर वो गरीब भिखारी बस इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन भी वो भिखारी उस अमीर व्यक्ति घर पर दरवाजे पर जाकर फिर से भीख मांगता है। तब वो अमीर व्यक्ति किसी कारण से गुस्से में था, उसने भिखारी का ओकी मात्रा एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर भिखारी के सिर पर लगा, जिसकी वजह से अभी भिखारी के सिर से खून बहने लगा, मगर तब भी वह भिखारी इतना ही बोल कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें और आगे जाने लगा। लेकिन उस व्यक्ति का जब गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को पत्थर से मारा, फिर भी उसने मुझे कुछ भी ना कहकर मेरे लिए भगवान से दुआ मांगी, मुझे जानना पड़ेगा कि इसके पीछे का राज क्या है। फिर वो अमीर व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। वो भिखारी जहाँ जहाँ जाता वहाँ वहाँ वह अमीर व्यक्ति भी जाने लगा। तब वह अमीर व्यक्ति देखता है कि कोई उस भिखारी को गालियां देता और कुछ लोग उस भिखारी को जलील करते, मगर भिखारी उन सबको इतना ही कहता कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें। धीरे धीरे शाम होने वाली थी और भिखारी अपनी झोपड़ी में वापस लौट रहा था। वो अमीर व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। भिखारी ने जैसे ही अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसके बीमार पत्नी उठ खड़ी हुई, भीख का कटोरा देखने लगी तो उस भीख के कटोरे में केवल एक ही रोटी थी। तब भिखारी की पत्नी बोली कि बस इतना ही और कुछ नहीं है, और आपके सिर पर ये चोट कैसी लगी। तब वह भिखारी बोला कि आज के लिए तो इतना ही है, सबने मुझे जलील किया, गालियां दी और पत्थर मारे, जिसकी वजह से ये चोट है, ये सब अपने ही पापों का कर्म है। क्या तुम्हें याद है कि कुछ साल पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमने कभी दान नहीं किया, क्या तुम्हें याद है। वो अंधा भिखारी जिसका मजाक हम उड़ाते थे और रोटी की जगह कागज के टुकड़े रख देते थे और कभी कभी हम उसको मारते भी थे, एक बार तो मैंने उसके भीख मांगने के कटोरे को भी फेंक दिया था। तब भिखारी की पत्नी ने कहा, हाँ मुझे याद है, मगर वो अंधा भिखारी इतना ही बोलता था कि तुम्हारे पापा का हिसाब मैं नहीं, भगवान करेगा। आज उस भिखारी की हाय हमको लगी है। तब वो भिखारी बोला, मैं कभी भी किसी को बहुआ नहीं देता, चाहे लोग मुझे इतनी भी गालियां दे या मेरा अपमान करें, मगर मैं सबको दुआ ही देता रहूंगा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे जैसे इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ गलत करने वालों को मैं हमेशा दुआ ही देता रहूंगा, क्योंकि उनको यह मालूम ही नहीं होता कि वो पाप कर रहे हैं, जैसे हमने भुगती है ये कोई और ना भुगते, इसलिए मैं हमेशा दुआ ही मांगता हूँ। ये बातें वो अमीर व्यक्ति सुन रहा था, उसे अब सारी बातें समझ में आ गई। दूसरी ओर उस भिखारी और उसकी पत्नी ने जो भीख मिली थी वो खाकर सो गए। अगले दिन वही भिखारी उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगने लगता है। तब उस अमीर उस व्यक्ति ने भिखारी को बहुत सारी रोटियां दी और मुस्कुराते हुए कहा कि माफ करना बाबा, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तब भिखारी ने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, और वो अपने रास्ते पर चला गया।